उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा चर्चा रामपुर में हार की हो रही है। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद अब बसपा प्रमुख मायावती के उपचुनाव के परिणामों पर पहली प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने रविवार को ट्वीट कर लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये अब सपा व भाजपा के अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। बसपा प्रमुख ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। एक तो पहली बात कि इतने दिनों के बाद मायावती ने चुनाव के नतीजों पर ट्वीट किया, दूसरा ये कि उपचुनाव में मायावती ने दूरी भी बना रखी थी, जिसके बाद से मायावती पर सवाल भी उठ रहे थे। हालांकि अब मायावती के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर ने मायावती को आड़े हाथों लिया और ट्वीट किया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि आप अपने और बीजेपी के संबंध के बारे में क्या कहना चाहेंगी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आप वही हो जिसके नाम से सत्ता में भूचाल आता था, जो आप इस तरह की मूर्खतापूर्वक बातें कर रही हैं। सपा या कांग्रेस पर उंगली उठाने से अच्छा है मुद्दे पकड़कर चले भाजपा के खिलाफ, वरना बसपा का नाम तक खत्म हो जाएगा। हम दलितों को मूर्ख समझने या बहकाने की जगह पार्टी पर ध्यान दें, सपा या कांग्रेस पर नहीं। वही एक और यूजर ने लिखा है कि सबसे ज्यादा बसपा के बारे में चिंतन करने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बन जाए और एक दिन खत्म हो जाए। बसपा डेंजर जोन में है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ऐसा एक नहीं कई ट्वीट है जिन्होंने मायावती को ही आड़े हाथों ले लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या धीरे धीरे मायावती से लोगों का भरोसा खत्म होने लगा है, क्योंकि मायावती ने पहले तो उपचुनाव में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। वही दूसरा ये कि मायावती का प्रदर्शन भी विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं रहा था। अब देखना होगा कि 2024 के रण में किसका प्रदर्शन कैसा रहता है और मायावती 2024 के चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरती है। अगर बात रामपुर की करें तो बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा की हार हुई है। यहां बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है, जबकि बीते 45 सालों में पहली बार सपा इस सीट पर चुनाव में हारी है। इस हार के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब रामपुर के राजा का शायद सियासी सफर भी अब खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।